गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो ये जो सेशन है ये है आपका करंट अफेयर्स का सेशन, और आई होप कि आपको करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगे। तो इसके एंड में जो है क्वेश्चन, सिर्फ कल एक ही स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी भी भाई जल्द से जल्द आंसर्स दीजिए। पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट, कि पार्टिसिपेशन करोगे तभी पता चलेगा कि आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिट मेड? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिसेंटली 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिट मेड में 100% जो है स्टेक पाया? यानी हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिट मेड में 100% की हिस्सेदारी दी है? फेसबुक, आपका फेसबुक, ICICI, पेटीएम, या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए ये किस कंपनी ने जो एक्वायर किया है 100%, दैट इज़ पेटीएम। ये क्या है, आपकी मुंबई डिजिटल बेस्ड कंपनी है, ये मुंबई डिजिटल बेस्ड कंपनी जिसने जो है ये स्टार्टअप शुरू किया है, डिजिटल स्टार्टअप, ठीक है, डिजिटल बेस्ड कंपनी है ये जिसने ये स्टार्टअप शुरू किया है, लैंडिंग स्टार्टअप, ठीक है, ने क्या शुरू किया, लैंडिंग स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइंड द सॉल्यूशंस टू इंडियाज फेस्ड प्रॉब्लम्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। भारत में जो है एक ऐप शुरू की गई है, ठीक है, ये जो ऐप है ये आपका वेब पोर्टल एक लॉन्च किया गया ताकि इंडिया के वेस्ट प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्व किया जाए थ्रू कम्युनिटी, लोगों की हिस्सेदारी से, सामुदायिक भागीदारी से के माध्यम से भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम बताइए। मैग्नेट्स ऑफ हॉप, वेस्ट टू वेल्थ, मिलेनियम डेवलपमेंट, या अर्बन एक्शन? तो देखिए ये जो वेब पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया, वेब पोर्टल जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और ये कब आपका कब रिलीज़ किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कब रिलीज़ किया गया है, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती और शास्त्री का बर्थडे भी होता है। तो ये जो है एक तरह से इसमें जो है जितने भी सर्कुलर्स हैं वो कम्युनिटीज़ को जो है प्रोवाइडेड करवाए जाएंगे, कम्युनिटी सेंटर्स को प्रोवाइडेड किए जाएंगे अंडर उन्नत भारत मिशन, ठीक है, उन्नत भारत मिशन। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये जो पोर्टल है दैट इज़ वेस्ट टू वेल्थ, किसका मेन काम क्या है, इसमें जो बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो मिशन है ये क्या है कि जितना भी वेस्ट है, जितना भी घरों से वेस्ट निकलता है उसको एक तरह से यूटिलाइज़ करना, यूटिलाइज़ करके उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ करना, इसका मेन मुद्दा ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय फ्लोर वेज के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा गठित पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, अविनाश दीक्षित, रोहिणी पांडे, एसपी मुखर्जी, या राकेश चौहान? तो देखिए ये जो आपका कोड, वेजेस कोड 2019 के अकॉर्डिंग जितने भी मिनिमम वेजेस और नेशनल फ्लोर में वेजेस हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम किया गया है, उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। तो उस कमेटी का हेड कौन है, अविनाश, रोहिणी पांडे, एसपी मुखर्जी, या राकेश? तो वो है आपके अविनाश दीक्षित। कौन है आपके अविनाश दीक्षित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नजला बाउंडेन रामधाने हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नजला बाउंडेन रामधाने को किस देश की पहली प्रधानमंत्री की, ऐसी कौन सी स्टेट कंट्री है जिसमें पहली बार एक फीमेल जो है प्रधानमंत्री बनी है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो है आपकी ट्यूनीजिया। आंसर इज ट्यूनीजिया। कब बनी है, 29 सितंबर 2021, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड हैबिटेट डे? वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम क्या है? वर्ल्ड हैबिटेट डे, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे का जो थीम है वो क्या है आपका, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट क्या होता है? इट्स द प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, द प्लेस जहाँ पे कोई भी एनिमल कोई भी चीज़ रहती है, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट, जो कि 4 अक्टूबर को मनाया गया। और ये 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, जिसका मेन काम क्या था? फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एज एन इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफर वेस्ट टू द वेल्थ, नहीं। हाउसिंग फॉर ऑल, नहीं। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, नहीं। एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड। हैबिटेट डे का मेन थीम क्या है कि किसी तरह से जितने भी बाहर के लोग हैं, मतलब जितने भी शहरी कार ऐसी शहरी एक्टिविटीज़ की जाएं, ताकि हम भारत को एक कार्बन फ्री वर्ल्ड, अगर कार्बन फ्री हो जाएगा तो पॉल्यूशन नहीं, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चला है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वीक फ्रॉम अक्टूबर 4 टू अक्टूबर 10 2021 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज, कि जो आपका अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 10 तक, ये कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? एयर वीक नहीं, फायर वीक नहीं, अर्थ वीक नहीं, आंसर इज स्पेस वीक। देखिए, मैंने अभी बताया कि 2 से लेकर 8 तक तो आपका वाइल्ड लाइफ डे है, ठीक है, और 4 से 10 तक आपका क्या है, ये है आपका वर्ल्ड स्पेस वीक। ये क्या है आपका? वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसमें जो है आपको कंपनीज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट्स, ठीक है, और वेस्ट की तरफ है, ताकि वेस्ट। और ये कब मनाई गई थी आपकी? 6 दिसंबर 1999 को ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये वेस्ट, WSW यानी वेस्ट सॉलिड वेस्टमेंट जो है, ये कब? 6 दिसंबर 1999 में बनाई गई, जिसमें जो है कहा क्या जाता है, वुमेन इन स्पेस, वुमेन इन स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, कॉपेनहेगन हैज नेम्ड एज द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फ्रॉम अमंग 16 ग्लोबल सिटीज इन द सेफेस्ट सिटी इंडेक्स 2021 बाय इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए, सेफेस्ट सिटीज अवार्ड जो है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो कॉपेनहेगन जो, देखिए कॉपेनहेगन का नाम जो है कि वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटी फ्रॉम 60 ग्लोबल सिटीज़ इन दिस वाज द कौन सी? देखिए, 60 ग्लोबल सिटीज़ का एक सेफ सिटी इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें किसके द्वारा क्रिएट किया गया, रिलीज़ किया गया? इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो उसमें जो कॉपेनहेगन है, दैट शुड बी इन टॉप पोजीशन, क्या कॉपेनहेगन टॉप पोजीशन पे आया है। तो ये आपसे पूछा गया है, कॉपेनहेगन किसकी कैपिटल है? तो वो है आपकी डेनमार्क। किसकी है? डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द टू इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फ्रॉम द अमंग 16 ग्लोबल सिटीज इन सेफेस्ट सिटी इंडेक्स विच इज रिलीज बाय द इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट। हाल ही में सेफ सिटी इंडेक्स जो है, उसमें भारत की कौन सी दो सिटीज को सिलेक्ट किया गया है बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट? मुंबई, बेंगलोर, इंदौर, गांधीनगर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या न्यू दिल्ली मुंबई? तो ये जो है आपका कि ग्लोबल सिटी जो है अवार्ड, ठीक है, सेफेस्ट सिटी जो है, दो भारत की दो सेफेस्ट सिटीज़ कौन सी है? मुंबई एंड दिल्ली। कौन सी है आपकी? मुंबई एंड दिल्ली, जिसको बिल्कुल सेफ बनाना है, तो वो है आपका मुंबई एंड दिल्ली। कौन सी है आपकी? मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो ये जो है आपकी, देखिए इसमें जो है 1 to 50 ग्रेड काउंट्स लिए गए हैं, जिसमें आपका कॉपेनहेगन, ठीक है, हमने अभी पढ़ा वर्ल्ड में कौन है, कॉपेनहेगन, फिर है सिंगापुर, फिर है स्वीडन, और फिर है सिडनी, ठीक है, और टोरंटो। ये सारी जगहें जो हैं, दैट बिकम्स द टॉप लिस्ट, ये टॉप लिस्ट में आई हैं वर्ल्ड में। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो मुंबई एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैव बीन लॉन्च द एनई रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन अ टेक्निकल असिस्टेंस टू द नीति आयोग। नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग की तकनीकों की सहायता की है? यूएन, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक या यूएनडीपी? तो आंसर इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसने किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी आपका यूएनडीपी। नेक्स्ट आता है घनश्याम नायक हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज डैश बाय प्रोफेशन। देखिए घनश्याम नायक जो कि हाल ही में कहते हैं जिनका देहांत हो गया, वो किस प्रोफेशन से थे? बिजनेस टाइकून, ऑथर, एक्टर या इकोनॉमिक? अगर देखा जाए तो ये जो थे आपके घनश्याम नायक, इनको कैंसर था, काफ़ी टाइम से ये कैंसर पेशेंट रहे हैं और इन्होंने जो है एक कहते हैं एक सीरियल में आता है सब टीवी सीरियल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, उस सीरियल में ये जो है घनश्याम नायक ये एक तरह से एक्ट प्ले करते थे। तो ये क्या है आपके एक्टर, ठीक है, जो कि किससे मरे हैं? कैंसर से। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। अब हमने कल होमवर्क किया था तो होमवर्क का फर्स्ट सेशन है कार्निवैक कोव इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स डेवलप्ड। कार्निवैक कोव जो है जानवरों की दुनिया का पहला मतलब पहला कोविड वैक्सीन फॉर द एनिमल्स इज कार्निवैक कोव। क्या है आपका? कार्निवैक कोव। तो जिसकी वजह से इसको किसने लॉन्च किया है? रशिया ने। तो ये याद रखना पहला कौन था? कार्निवैक ठीक है। इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट। ये किस स्टेट में जो है पहला सोलर किसने इंडियन आर्मी ने तो इंडियन आर्मी ने पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ पे बनाया है? दैट इज सिक्किम। आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट है आपका विच बॉडी इज इम्प्लीमेंटिंग द बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स अभियान का लागू किया है? तो देखिए ये जो है आपकी कौन सी बॉडी थी जिसने बिलीव इन, ये आपके मई के सेशंस है, तो ये थी इंडियन ओलंपिक कमेटी जिसमें पीवी संधू, ठीक है, जिसमें पीवी संधू को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोला एज अ क्या बोलते हैं इसको आप पीवी संधू एथलीट हैं, ठीक है, तो पीवी सिंधु और आपका कैनेडियन मिशेल ग्लोबल एम्बेसडर्स। ये क्या है पीवी संधू, क्या है आपकी बैडमिंटन प्लेयर, तो ये दोनों को जो है क्या कहा गया है दैट टू रिप्रेजेंट ग्लोबल एम्बेसडर्स। इसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर्स के, ठीक है। रानीगंज कोल फील्ड द फर्स्ट फील्ड वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन कोल। देखिए रानीगंज एक पहली फील्ड है जहाँ पे फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या लगा रही थी, कोल माइनिंग कर रही थी, खनन का प्रयोग कर रही। तो ये पूछा गया कि रानीगंज कहाँ पे है, तो ये तो सबको पता है कि रानीगंज हिल्स प्रोमिनेंटली कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। कल का होमवर्क देख लीजिए। ऑपरेशन स्मृति सेतु टू हैज बिन लॉन्च बाय, कि समुद्र सेतु टू जो है वो किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, इंडियन नेवी या इनॉक्स एयर प्रोडक्ट। सेकेंड है स्पेशल 301 रिपोर्ट, द फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज बाय यूएस इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, कि जो 301 रिपोर्ट है जो आपकी विशेष 301 रिपोर्ट यूएस द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? डिफेंस, ट्रेड, माइग्रेशन या फाइनेंस। आईएनएस कोलकाता अराइव पोर्ट शवेक, मतलब आईएनएस कोलकाता जो है वो शवेक पहुंच गया है ताकि वहां से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एंड मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम विच कंट्री।
टू ब्रिंग, ये जो आपका INS कोलकाता है पोर्ट शुभाविक, इसको जो है लॉन्च किया गया है ताकि वो जितनी भी आपकी मेडिसिंस कुछ भी सप्लाईज जो हैं वो निकाल सके। तो ये किसने शुरू किया है? UAE, कुवैत, ओमान या इज़राइल? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मनरेग्स को फॉलो करना या एक्सपेंड करना, फीड फ्री फूड ग्रेन्स को करना, क्रॉप इंश्योरेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस? तो ये थे आपके क्वेश्चंस। पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री का पोर्ट सुबेक जो था वो कौन था जिसने मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाईज लाई है? फिर उसके बाद आपको मैंने बताया कि स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है ये लॉन्च किस सेक्टर से हुई है, और ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे एंड स्टे फिट।